हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लिपिका और आज मैं ले आई हूँ बहुत ही क्विक, इजी एंड सिंपल रेसिपी। ये है परवल, यानी पोटोल बंगाली में बोलते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं पोटोल भाजा। बहुत ही इजी है ये, स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिनको नहीं पता है। देख लीजिए आप, मैंने पोटोल को मतलब परवल को दो दो टुकड़ों में अच्छे से पहले छील लिया है, उसके बाद स्किन निकाल दिया है, उसके बाद दो टुकड़ों में काट लिया है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे। इसमें हल्दी और नमक जाएगा। थोड़ा सा हल्दी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए क्योंकि परवल ज्यादा है। और फिर लास्ट इसमें हम डालेंगे, इसमें ये है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब दोनों हो चुका है, आप चाहे तो इसमें रेड मतलब लाल मिर्च भी डाल सकते हो, बट उससे क्या है थोड़ा सा वो जल जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हो, बट मैं एकदम सिंपल, एकदम इजी क्विक रेसिपी है, तुरंत ही हो जाता है, 5 से 10 मिनट लगते बनाने में। इसको हमने अच्छे से ये मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे मिक्स किया है। आप चाहे तो स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, बट मैंने हैंड से ही किया है, इससे आसानी से हो जाता है। परवल में पूरा हल्दी और सॉल्ट मिक्स हो चुका है। अब कढ़ाई गरम होने देते हैं हम लोग। कढ़ाई हमने गरम होने के लिए रख दिया था, कढ़ाई हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम तेल, थोड़ा सा ज्यादा लगता है ऑयल। तेल हम डाल चुके हैं और ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा ये किनारे किनारे से भी ऑयल लगा देंगे ताकि चिपक ना जाए। ये भी गर्म हो चुका है, फ्लेम थोड़ा मीडियम रखेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक एक करके हमारा जो है परवल। अब देख सकते हैं तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, और सब नहीं डालना है, जितना इसमें फ्राई हो सकता है उतने ही क्वांटिटी में डालना है। हाफ अभी मेरा ये जहाँ तक जितना भी मैंने लिया है परवल, हाफ इसमें चला जाएगा और हाफ बाद में रखूंगी। अब डाल दिया है, इतना ही इसमें जाएगा। अब इसको थोड़ा सा कवर करने के लिए एक प्लेट से हम ढक देंगे। इसको हम एक अच्छे से एक प्लेट से ढक देंगे। अब इसको ज्यादा नहीं, 1 से 1.5 मिनट तक इसको थोड़ा सा फ्राई होने देना है, उसके बाद फिर हम पलट के देखेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। हाँ, ये देख सकते थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ये फ्राई होना शुरू हो गया है। ऐसे करते करते हमें कम से कम इसको 2-3 बार ऐसे पलट पलट के फ्राई करना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्टली फ्राई हो जाएगा। बहुत ही इजी है, कोई झमेला ही नहीं है इसमें। बस आराम से इसको फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। इसको फिर से हम प्लेट से कवर कर देंगे ताकि जल्दी हो जाए। बिना कवर करे भी हो सकता है, बट इससे क्या जल्दी से पक जाता है आराम से। सो गाइस, हम थोड़ा पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा जो परवल है वो कितना फ्राई हो चुका है। ये हो चुका है पूरा ही, बस 1 मिनट इसको, ये इसका जो ऑपोजिट साइड है उसको फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं पूरा बहुत ही सुंदर कलर आया है। 1 मिनट रखेंगे, उसके बाद जाके फिर हम आपको दिखाते हैं कि फाइनल हमारा परवल फ्राई कैसा दिखता है। तो गाइस, हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज्यादा परवल फ्राई नहीं करना है, वरना ये जल जाएगा और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। ये हमारा फाइनल हो चुका है परवल फ्राई। आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस और बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी घर पे ट्राई करके बनाइए, जिनको नहीं पता कि कैसे फ्राई करते हैं वो भी बना के खा के फिर मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत हर जगह शेयर कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।